टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सारे? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आ गए? हाय गाइस। हाँ, नीचे तक आवाज आ गई होगी। तो मीट माय बचपन की सखी। तो इसको आपने पहली बार देखा होगा मेरे व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत यू नो बिजी रहती है। तो आज हम करने वाले हैं, मतलब हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ मैं, नहीं बनाने वाली क्योंकि मैंने कल बना के देखो मुझसे बना नहीं। तो शानू करेगी हेयर स्टाइल, दीपू करेगी ड्रेस। बहुत हर बार की तरह मुझे मेरा खाना सर्व कर दिया था इन्होंने आते पंजाबी तड़का प्लेट भर के। पागल है थोड़ी सी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, अब स्टार्ट करते हैं। तू आ जाएगी अपना खाना छोड़ के? तो गाइस हम उसका हेयर स्टाइल करने वाले हैं। इसके पास थी फाइनली दीपू के भी लगाई हो। तो ये हमारे पास विग थी जो मैंने लगा ली है विग, और मेरे बाल हो गए इसके जितने लंबे, और मैंने से बाल चुरा लिए, इसके भी छोटे हैं, मेरे छोटे पड़ रहे हैं इसके आगे। देख सकते हो मोटे मोटे बाल हो गए हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है ये वाला। देखो हमने यहाँ से जितने मुझे हेयर्स निकालने थे मैंने उतने निकाल लिए। गाइस ये मैं इसके पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, पर ये मुझे पे नहीं करती। अरे चल है ना। और सबसे गंदी बात, मेरे को लड़कियों से एक चीज पूछनी है भाई, जो ऐसी ड्रेसेस पहनती है ये ऐसे वाली इतनी कोने वाली, ये कैसे पहन लेते हो भाई? हमसे तो नहीं पहन जाते। तूने पहनी? मैं भी अभी इसको चेंज कर दूंगी। ये भैया पहने नहीं जाते। तूने पहनी है कभी ऐसी? ये कंधे पे रुक जाती है। मेरे तो नहीं रुक रही भाई, मेरे को अजीब सी लगने लग जाती है। और हम इसको पहन के बाद में आगे गूंथनी है, एक यहाँ से गूंथनी है और एक पीछे गूंथनी है। लड़कियों ध्यान से याद रखना, स्कूल में यही छोटी बना के जानी है। तीन हाँ ऐसी बना के जाऊं तो मैं सबसे प्यारी बच्ची लगती स्कूल में, अगर मैं ऐसे छोटी बना के जाती तो। गाली देती थी पता है, ऐसी ड्रेसेस पहन के मैं बाहर चली जाती थी तो। और अब पहले पहन लेती थी ना, बीच में पहनने लग गई थी तो दादी वाज लाइक हरामजादी। हाँ ऐसे ही बोलती थी यार शानू ना। वो कहती तो को मैं बताऊं, मतलब कोई बात होता नहीं है तो को बताऊं, मैं बताऊं मैं नाक में कब डालू है, आज डाल लू बस। तो देखो इसने क्या करा है, ये ऐसे करेगी फिर पीछे रुपेंद्र चोटी कर देगी। और फिर जीजी फिर रीजन बताना जीजी फिर। अरे यार वो तो बहुत पहले से लेने की, फिर आप लोग कह रहे थे बोर्ड्स और पड़ेगी। हाँ तो आप वो बोर्ड्स का ही रीजन दे दे, तो इसलिए कहीं वो मेरे लिए। बहुत प्यारी है, इसके जैसा कोई नहीं है।
क्या कह रही थी वो तो पता ही चल जाएगा जब मैं डालूंगी तो। तो इसने मेरी चोटी कूट दिया, देखो रुक जा भी एक ही तरह था। अब मैं तो एक दीपू को भी सिखा दूँ, फिर सबको बताओगी मैं लगा दूँगी। मैं तो वही बनवा मुझे दूँ तो गाइज ये देख लो इसकी रूपांजल वाली चोटी, मेस्ड अप चोटी बोलते हैं रूपांजल या फिर मेस्ड अप ब्रेड। देख सो आप इसका पूरा लुक देख लो, प्यारी लग रही है ये। मेरा पूरा लुक ये हमने बना तो फिर ये हमने मैंने बना दी है रूपांजल वाली चोटी। ठीक है, अगर आपको भी ऐसी चोटी बनानी है तो हमारा पूरा ब्लॉग देख लेना। ठीक है, ये बन चुकी। और मैंने इसके साथ पहना है व्हाइट फ्रॉक, बस ये मैंने घर के लिए पहना था क्योंकि इसके साथ ये ही अच्छा लगता। तो मैं एक दो फोटो खींचूंगी और उसके बाद हम रेडी हो चुके हैं सारे। और मैं चप्पल पहन के ही जा रही हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ चप्पल पहन के निकल रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत अलग हम पैदल जाते हुए देख रहे हो, यहाँ मेरी छोटी नीमा बना रही है और ये आ रही है। गाइस एक बात बताऊँ, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है और हम खाएंगे। रिश्तेदारों पर भी है रिश्तेदारों को एक काम करते पहली बात पीजा देते हैं अभी हमें दिल तोड़ देंगे। कितना कंफर्ट जोन है इसमें। ये देखो वहाँ पे ना कभी भी अगर आपको कॉफ़ी पीनी हो यहाँ पे सेक्टर 14 में तो बीटा नहीं आना। हम जितना अगर सेक्टर 14 ही बता रहे हैं, है ना शानू? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मध्यम से मध्यम रेट पे आपको कॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम बहुत बार आ चुके हैं, हमेशा ना यहीं कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, क्योंकि देखो 60 में आपको मिलेगी मीडियम और लार्ज मिलेगी 80 में, कोई फ़र्क नहीं है, बहुत सस्ती कॉफ़ी मिलती है। और बाकी घर में बना लो बहुत टेस्टी, इतनी सस्ती कॉफ़ी कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं। और हम जहाँ भी गए थे 0 डिग्री, वो बहुत कॉस्टली था बहुत ज़्यादा। और हमने वहाँ पे पे करा 679 ठीक है, 650 रुपए में घी खा के आए, वो भी डालडा पिज्जा में इतना घी सिर्फ घी का टेस्ट आ रहा है सच में। हमारे घर पे हार्ड है ना, बहुत हार्ड है, हमारे घर पे इतनी बड़ी पीपी धरी है देसी घी की, इससे बढ़िया हम वो खाते ना तो ज्यादा बेटर रहता है। सच बात है, घी भाई इतना ज्यादा अच्छा, उल्टी आने हो गई। प्राइस वर एवरेज, पिज्जा वर बेस बहुत ऐसा था, ऐसा बिल्कुल मैं वीडियो डालूंगी ना। ये जो आवाज आ रही है ना ऐसा था, तो बाकी मैं बाद में बताऊंगी, अभी बहुत थोड़ा शोर आ रहा होगा। ठीक है गाइस, ओके इतने वेट नहीं कम है, मैं कुछ चीनी ले लूं। चीनी भाई हमारी तो कॉफी बहुत अच्छी है। हाँ भाई दीपू कैसी लगी तो मेरे घर से हमने चेकआउट कर लिया है, पर मुझे इतनी गंदी लगी।
तो गाइस मैंने चुन्नी फंसा दी थी। हम जा रहे हैं अब वापस से इसके घर, मेरे घर से हमने चेकआउट कर लिया है। ये अपने घर जाएगी, ये अपने घर जाएगी, बस थोड़ी देर में बाइक वाले आके ना शान को उड़ा देंगे। मेरे घर, मेरा घर वो रह गया पीछे, ग्रे वाला पीछे, मेरा ग्रे वाला पीछे घर रह गया। पर कोई बात नहीं, अब मेरे को रोज चाचू से मिलना है। ये लोग इतने गंदे हैं, मेरे को कहीं घुमा नहीं ले जाते। ये तो है ही होमलेस। शानू अभी पनीर लेने गई है। मैंने दीपू को ड्रॉप कर दिया है। क्या सबसे गोरी मैं लग रही हूँ? तेर तू पी ली है? मैं पी ली हूँ। तो लेट्स गो। ये हुआ बोलते फिरते हांडते गु खाते रोज चाचू के पास, तो दिनों होने के लिए समय मांग के लाई थी। हाय कर रहे हैं रोहित चाचू, हम उनके घर जाओ। बिग फैन, बिग फैन। चलो दादी, राम राम। मीट दादी, मीट माई सेकंड बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पवन चौहान। निकल नहीं रहा था मुझे, आवाज नहीं आ रही। सो फैमिली, यहाँ अब आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत हो गया, मेरी डबल चिन आ चुकी है, मुझे च्युइंगम खानी पड़ेगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। एंड गाइस देखो, नो हेट फॉर जो भी आज हम मतलब लाइक करा हम लोगों ने, मतलब मैं कहना चाहती ये हूँ कि मतलब जैसे हम जो हमने एक्सपीरियंस करा, हमने वो ही बताया है व्लॉग में। तो आई थिंक 0 डिग्री बहुत अच्छा कैफ़े है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग मत जाओ, आप लोग बिल्कुल जाओ, विज़िट करो। आई थिंक एक बार तो विज़िट करना बनता है, ठीक है, क्योंकि लोकेशन काफ़ी प्यारी है ऐसी।